शंभूनाथ में जो सबसे फेमस है ना, आपको हर एक जगह ये देखने को मिल जाएगा कि जो आँख दिख रहा है ना, तीर नेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं ना। कुछ भी किसी से भी पूछो, हंस के बोलेंगे। मंदिर की बात करें तो मंदिर प्री वैदिक समय का है और सबसे पुराना मंदिर है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का नेपाल में। और आज मेरा नेपाल में दूसरा दिन है। जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा कि मैं आज जा रहा हूँ पशुपतिनाथ। जितने भी लोग टूरिस्ट आते हैं ना इंडिया से या कहीं से भी, तो वो पशुपतिनाथ जरूर जाते हैं। उसके पहले हम नेपाली फूड ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अंजलि का, क्योंकि अंजलि भी मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, तो अभी वो रेडी हो रही है और साथ आज एक्सप्लोर करने वाले हैं हम नेपाल को। ओ भाई, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे निकले ना पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए, तो भगवान खुद चल के आ गए। हर हर महादेव। जय शंभो गांजा कंबो। कहाँ से हैं आप? आईली था बसा के। नेपाल से ही? अच्छा सर। जय शंभो हर हर महादेव। यहाँ वहाँ जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा पशुपतिनाथ? आप यहाँ से जाओ पहले तो, ये रास्ता है ठीक है। पहला मेन गेट आएगा, महादेव जी के दर्शन कीजिए। और सभी को कहते हैं जिसने नहीं देखा तो भाई दिखाएंगे महादेव। एकदम एकदम। और सभी को इनको अच्छा रखो, मतलब एक धाम में से अपना धाम ये भी है पशुपतिनाथ। काठमांडू जाना जाता है तो एक पशुपतिनाथ धाम से जाना जाता है ठीक है। नहीं तो नेपाल ऐसा कुछ नहीं है, जो यहाँ के लोग है ना उनका दिल बहुत साफ है ठीक है। चलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ऐसा है कि नेपाल ना खूबसूरत है। काठमांडू जो थमेल एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एरिया है। और हमारे साथ लड़की है, बता दो ये, मतलब इतना इसको टाइम लगा, मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था कब से तैयार हो गए, और ये पता नहीं क्या कर रही थी रूम में। तुम्हारा रूम कैसा था? एकदम मस्त है। क्या बोलते रात कैसा गया? जाने से पहले हमने आज डिसाइड किया है ना कि आज हम नेपाली थाली खा के निकलेंगे, तो हम आ चुके हैं क्वालिटी कैफे में नेपाली खाना खाने के लिए। चलते हैं यार। देखो मैं यहाँ पहले भी आया था एक दिन रात को डिनर करने के लिए, तो डिनर मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए सोचा कि आज का नेपाली जो खाना है आज यहीं पर खाते हैं। तो भैया बैठते हैं उधर। यार देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक तो नेपाली खाना मुझे खाने का मन कर रहा था, और दूसरा जिस कैफे में आए हैं इसमें बैठने का सिस्टम अच्छा है। ये अंजलि कोई ऑर्डर कर रही है, क्या ऑर्डर कर रही हूँ? स्पेशल नेपाली थाली ट्राई करते हैं, लोकल खाना। ओके 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 ओके। अपना आ चुका है नेपाली थाली, और नेपाली थाली देखो कितना ही सजा के इन्होंने दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्वाद तो मतलब खुशबू से ही पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आइटम देखो कितना आइटम है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, अब ये भी मिला दें मिर्च मसाला, 12-13 आइटम है। और बीच में चावल, मैंने रोटी नहीं दी इसमें। देखो ऐसा है कि आप चावल खा लो या रोटी खा लो, दोनों में से एक ही मिलेगा, लेकिन इतना आइटम है ना किसी से काम हो जाएगा, इसी से पेट भर जाएगा, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा जो थाली है चिकन थाली है, और अंजलि का है जो वेज थाली है। पशुपतिनाथ जाने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया है टैक्सी, और टैक्सी यहाँ पे ठीक है, मतलब 400-500 आपको नेपाली रुपीस में, यानी 200-300 रुपये में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं भी जाने के लिए मिल जाती है आसानी से। देखो जैसे हमारे यहाँ रेपिडो चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे पठाव ऐप है एक रेपिडो जैसी। तो आप यहाँ पे नेपाल में आते हो ना तो पठाव को डाउनलोड कर लो और कहीं भी जाओ, सस्ता पड़ जाएगा। पशुपतिनाथ, और देखो यहाँ पे आने के लिए हमें 4 किलोमीटर का ना 250 रुपये हमने पे किया है इंडियन रुपीज़ में, मतलब नेपाली में 400 था। ये देखो इसने दिया है पैसे, ये देखो कितना मिला इसको, इतना सारा पैसा, अमीर हो गई यहाँ पे तो ये। चलो आ जाओ, चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के जस्ट साइड में आसपास में ना बहुत सारी दुकान मिलेंगे आपको, प्रसाद वगैरह लेना हो तो यहाँ से प्रसाद ले लेना, और माला वाला तो ले ही लेना यार, यहाँ पे आते हो ना तो आपको रुद्राक्ष यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा। ये रहा मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करनी है, और अंदर ही मंदिर है, मंदिर घूम के आएंगे फिर आपको बाहर दिखाएंगे। यार ये मेन गेट है और पीछे इसका मंदिर है, मंदिर के अंदर वीडियो बनाने अलाउ नहीं है। क्या खूबसूरती है यार, देखो जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, और उसमें भी पशुपतिनाथ, मतलब नेपाल के सबसे बड़े मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर है, और भोलेनाथ के मंदिरों में से एक सबसे बड़े मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर है। महादेव जय श्री शंभू। और दर्शन कर लिया हमने, अंदर देखो भीड़ बनाना है लाभ नहीं है, सही है, मंदिरों में अंदर
वीडियो ना बनाए वही अच्छा है। मंदिर की बात करें तो मंदिर प्री वैदिक समय का है और सबसे पुराना मंदिर है। आप आइएगा मतलब तो अंदर जाइएगा ना, इतने सारे आपको टेम्पल दिखने को मिलेगा और 508 शिवलिंग एक साथ आप दर्शन कर पाओगे और परिक्रमा कर पाओगे। हमने कम से कम 2 घंटे अंदर बिताए हैं और 5 बजे मंदिर खुलेगा। अगर आप आते हो तो टाइम देख लेना, क्योंकि सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगा, फिर 5 बजे खुलेगा और उसके बाद 6 बजे फिर बंद हो जाएगा। तो आप टाइमिंग देख लेना, क्योंकि अभी मंदिर बंद था, दर्शन बाहर कर लिया, शिवलिंग का दर्शन नहीं हो पाया है। और बहुत ही अच्छा लगा यार, कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही अच्छा लगा। ये पहली बार लड़की आई थी शिवलिंग की, ड्रीम था ये। दर्शन हो गया ना अच्छे से? केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ, देखो केदारनाथ की खूबसूरती की बात करें ना, वहाँ का टक्कर कोई नहीं देगा। लेकिन भोलेनाथ का मंदिर है, सब जगह एक समान होता है, तो वैसे ही पशुपतिनाथ टेम्पल है। नेपाल में आते जितने भी टूरिस्ट है ना, इंडिया से आए कहीं से भी है, तो पशुपतिनाथ जरूर आए थे। कहाँ से आप लोग? नेपाल से हैं। रेगुलर आप आते हैं यहाँ पे? कभी कभी। हम लोग इंडिया से आए हैं। अभी 3 दिन हो गया। अभी अभी ये दूसरा जगह था, अभी स्वयंभू वगैरह जाना है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है नेपाल, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं ना। कुछ भी किसी से भी पूछो, हंस के बोलेंगे, मतलब दिक्कत नहीं है कि नहीं हमने न पूछो, मतलब हमसे हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन के अच्छे हैं, मन के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। तो आप लोग घर जाएंगे सीधा? ओके, चलिए। क्या आपने नाम नहीं बताया आपका? पुस्तिका। अच्छा, ज्ञान का भंडार। चलिए, देखिए इन लोगों से बात करके अच्छा लगा, मिलेंगे फिर, बाय। यार देखो, आप मंदिर में आओगे ना तो एक सबसे खूबसूरत चीज आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ के कबूतर। यहाँ के कबूतर डरते नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो बाहर आपको गेहूं मिलेगा यहाँ पे इन कबूतरों को खिलाने के लिए, तो आप जरूर लेके आना और इनको खिलाना, शायद पुण्य की प्राप्ति हो जाए आपको। ये देख रहे हो, जहाँ शंकर भगवान रहते हैं ना, वहाँ भी कबूतर रहते हैं। जैसे कि अमरनाथ में 2 कबूतर की कहानी सुना है ना आपने, यहाँ पे बहुत सारे आपको कबूतर मिलेंगे देखने के लिए, और वो भी प्यारे प्यारे। यार देखो, यहाँ से आते हो ना तो जरूर यहाँ से कुछ कुछ ना कुछ लेके जाना। ये पशुपतिनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर है ना, और ये अंदर जो शिवलिंग है ना, सेम ऐसा ही है। हाँ, 4 मुखी शिवलिंग है। मैंने सोचा था ना, मैं ऐसे ही हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ का जो कल्चरल ड्रेस होता है ना, लोकल ड्रेस होता है, जैसे नेपाल में आते हो ना, तो सबसे नेपाल में ज़्यादा फेमस है ना यहाँ की नेपाली टोपी। नेपाल में ड्रेस होगा उसे पहचान नहीं आएगा, लेकिन नेपाल की जो टोपी पहनते हो ना, तब आप पहचान में आ जाओगे कि ये नेपाल की टोपी है। छोटा है, थोड़ा बड़ा देना, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ, नेपाल में पहन के घूमते रहो, मज़ा आएगा, फिर लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। भाई मतलब क्या बताऊँ, मेरा सर बड़ा हो गया या टोपी छोटी हो गई है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ले लेता अगर थोड़ा और भी यहाँ तो जाता ना तो ले लेता, लेकिन हो नहीं रहा है मेरे में। लेकिन देखो, यहाँ पे आते हो ना तो ये सब खरीद के लेके जाना, यहाँ पहन के घूमना, अच्छा लगेगा। डालना डालना थोड़ा लोगो भी है नेपाल का इस पर, ये लग रही है नेपाल। हाँ, चलो जॉब दिलाता हूँ तुम्हें, एक खुकरी चाहिए हाथ में, फिर तुम्हें जॉब पक्का है तुम्हारा। दर्शन हमने कर लिया और दर्शन करने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से, और हमने सोचा है कि शंभूनाथ जाने के लिए। शंभूनाथ जो है ना, यहाँ पे सबसे हाइट पे मंदिर है शंकर भगवान का, और वहाँ पे मतलब जाने के बाद ना आपको अलग ही फीलिंग आएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा काठमांडू दिखाई देगा, A1 का व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ से 5 किलोमीटर है और हम जाने के लिए सोच रहे हैं टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वाले बहुत पैसा मांगते हैं यार, 4 किलोमीटर का 500-1000 रुपये मांग रहे हैं नेपाली में, फिर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कैसा लगा अंजलि तुम्हें यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति लगा मुझे। ये भूतिया लड़की है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप आते हो ना, आपको लग रही हो क्या, आप यहाँ पे आते हो ना तो जैसे मणिकर्णिका घाट है ना हमारे बनारस में, वैसे ही यहाँ पे एक घाट है पीछे, पशुपति आर्य घाट, जहाँ पे शमशान घाट है वो भी वैसा ही है, मणिकर्णिका घाट जैसा, वहाँ पे लाशें जलती रहती है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है। वहीं पे ये लड़की खड़ी थी, आधे घंटे से देखे जा रही है। पहली बार देख रही थी ना इसलिए। अच्छा, ये पहली बार दिख रही थी। निकलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं शंभूनाथ पहुँच पाते हैं या नहीं। हमने वहाँ से ना टैक्सी कर लिया था यहाँ तक आने के लिए, शंभूनाथ तक आने के लिए, और टैक्सी से आने का ये फायदा है ना, ये सीधा मंदिर के गेट के पास छोड़ते हैं, और यहाँ से ज़्यादा नहीं चलना है, थोड़ा सा चलना है, वो हम बाहर।
और ये जगह है शंभूनाथ, और मेन टेम्पल ये है, और ये एक शंकर भगवान का मंदिर है साइड में। यहाँ पे बहुत बहुत सारा मंदिर है, आप आओगे देखने के लिए तो यहाँ आसपास में और भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। जैसे साइड में है ये भी मंदिर पुराना है, यहाँ के जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा ना सारे के सारे पुराने हैं। लेकिन जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था उस समय यहाँ पे बहुत सारे मंदिर टूट गए थे, जो आसपास में आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे साइड में रखे गए हैं। टेम्पल के साथ साथ ये जगह जो है ना मेन व्यू पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको पूरे काठमांडू का 360 व्यू दिखाई देने वाला है। आप चारों तरफ से पूरे काठमांडू को देख पाओगे एक जगह खड़ा होगे। शंभूनाथ में जो सबसे फेमस है ना, आपको हर एक जगह ये देखने को मिल जाएगा, ये जो आँख दिख रहा है ना, त्रिनेत्र बोलते हैं, और ये मंदिर शंकर भगवान के शंभूनाथ जैसे बोलते हैं। तो इसके अंदर शिवलिंग है, दर्शन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोग आते हैं बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। इसके आसपास बहुत सारा मंदिर है, इधर भी एक मंदिर है, और जितने भी छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये सब छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बंदर। यार सच बताऊँ ना, इतना खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताऊँ। देखो ये पूरा काठमांडू है और सनसेट हो रहा है, कितना ही खूबसूरत है। यहाँ से सही समय पर आए हम, शाम को यहाँ पे आने के बाद ना कुछ ऐसा सनसेट दिखाई देगा आपको, कभी भी आते हो शाम को। और ये सही जगह है, कोई गया ना नीचे तो मिलेगा नहीं, फ़ोटो खिंचाने के लिए इन्होंने बना रखा है पूरा। ज़्यादातर लोग ना इसी रास्ते से आते हैं, क्योंकि इस रास्ते से सारे लोग पैदल आते हैं। जो पीछे वाला रास्ता था ना, जिस रास्ते से हम आए हैं, टैक्सी से आए हैं, तो टैक्सी वाला एकदम पास में छोड़ता है, जहाँ से 2 मिनट लगते हैं ऊपर आने में। लेकिन इस रास्ते से आप आते हो ना, ये थोड़ा एडवेंचर हो जाता है मंदिर का दर्शन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट होगा तभी अच्छा लगेगा, है ना। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।